This is the story of a underdog. If you see Ganesha, actually he's short. He's not, you know, conventionally handsome. He is not accepted by the gods. This show is about his fight to not only become one of the gods, but the first among them, the Pratham Pujani. In the second layer, it's again the story of the mother who stands up for her son and makes sure that he gets his rightful place. And about a father and a husband who is caught between his duties toward his family, at the same time, his duties as the Mahadev that he has to perform on the completely opposite side. जो हमने अपनी कहानी में जो एम्फसाइज किया है वो नो जब गणपति आए थे वो विघ्नकर्ता भी हैं विघ्नहर्ता भी हैं वो जब शिव के परिवार में आए अपनी माँ के लिए उनने एक रास्ता रोका और वहाँ जब बाप भी आया और जब सारे भगवान भी आए किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया और उसकी सज़ा उनको मिली कि उनका गला काट दिया गया और उस गला काट के शिव जी ने उनको एक मनी सर फॉर हैविंग फेथ इन मी रूपाली मैम अमिताभ सर माणिक्य सर माय कॉन्टिनल टीम माय प्रोडक्शन टीम माय सोनी टीवी थैंक यू सो मच सर दानी सर फॉर हैविंग फेथ इन मी दैट आई कैन प्ले एज अ शिवा थैंक यू सो मच हाय दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस स्पेशली फॉर मी बिकॉज दिस इज द सेकेंड शो आई एम डूइंग एंड This is very grand, and I'm really happy to see all of you here. And thank you so much, Manikya sir, Abhimanyu sir, and everyone, our team, and all of you for coming here. Thank you so much. Hello, everyone. Thank you so much for being a part of our press conference. And I want to thank the entire Contilo team and Sony for having all of us here. You have just seen the promo and the official trailer of our show. The show looks amazing, and it is the first time we are here with motion capture technology. And to see Ganesh ji in with this technology will be something larger than life, which this show Vignaharta Ganesh offers you. And thank you so much for your support. We already have been getting a lot of messages that you all love our show. The promo is doing very good. So that's it. We all are eagerly waiting for 22nd August. And we can't wait to be in front of you. Thank you. Media ab hamare kalakaron se apne sawal. And ab main apne Ganesh ji se request karungi ki wo bhi aap logon ko introduce kar dein. Hi. Thanks for coming here. And... भगवान के भले वो कार्तिकेय हों इंद्र हों कोई भी भगवान हो वो उसके VFX इफेक्ट एक अलग ही लेवल पे हैं हम मोशन कैप्चर कैमरा लॉन्च कर रहे हैं टेलीविजन में तो हम लोग बहुत लकी फील कर रहे हैं कि इस ग्रैंड शो से हम लोग अपना डेब्यू कर रहे हैं स्पेशली मैं माइथोलॉजी या हम लोग कहें जी जो भगवान पर होते हैं बहुत सारे सीरियल्स आ चुके हैं जी तो आप किस तरह इसको अलग बना रहे हैं जी अलग हम जैसे कि मैंने बताया आपको सबसे पहले तो मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी से हम इस शो को एक अलग ही लेवल दे रहे हैं लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस से अगर आपने प्रोमो में भी देखा होगा एक एक आंखों का उनका एक्सप्रेशन जो जितनी बार उजैर आंखें झपकते हैं उतनी बार वो मोशन उन्हें कैप्चर करता है और वो वैसा का वैसा ऑडियंस के सामने दिखेगा बट चेहरा एक अलग होगा एनिमेटेड होगा तो ये टेक्नोलॉजी के साथ काम करना थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस आते हैं बट जब आप देखते हैं जो आप के सामने जो रिजल्ट है वो बहुत ही बड़ा है पहले भी कई सारे गणपति का शो आ चुके हैं तो लोगों को इस शो में क्या अलग कॉन्सेप्ट मिला सबसे पहली बात तो गणपति सबके फेवरेट भगवान है तो शायद इतने सारे शोज आने का रीज़न ही ये है कि गणपति से ज़्यादा प्यार किसी भगवान को कोई करता नहीं है और इस शो में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक अलग रिलेशनशिप पे ये फोकस करता है शो एक इमोशनल बॉन्ड है देवी पार्वती और गणेश जी का जो इस शो के थ्रू दर्शाया जाएगा प्लस मोशन कैप्चर के थ्रू हम उन्हें एक एक एक्सप्रेशन दिखाएंगे जो शायद पहले कहीं मेकअप लगाने में कहीं ना कहीं छुप गए थे
तो आज एक एक्सपीरियंस एक ग्रैंड स्केल है, VFX इफेक्ट्स हैं, स्टोरी का एक परसेप्शन ही बहुत अलग है. तो एक काफ़ी लार्जर देन लाइफ शो है एंड आई एम श्योर 22 अगस्त से आप सब देखेंगे. मैम आपको कितना मेहनत करना पड़ा टू कैप्चर यू नो पार्वती का अवतार, उनकी बोलने के एक्सेंट? बिल्कुल, मुझे मेहनत आई थिंक सबसे ज़्यादा इसलिए करनी पड़ी क्योंकि मेरा ये पहला TV डेब्यू है. जैसे उज़ैर पहले भी कर चुके हैं और इनने मुझे काफ़ी हेल्प किया, सेट पर भी मुझे बहुत हेल्प करते हैं. अगर कहीं भी मैं थोड़ी भी अटक जाऊँ तो ये मुझे बता देते हैं कि कैसे करना है. बहुत ख्याल रखते हैं मेरा, असली गणपति की तरह माँ पार्वती का हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड है. और ट्रेनिंग, वॉइस ट्रेनिंग हुई हमारी, डिक्शन क्लासेस, पोस्चर, हर चीज़ सिखाई गई. क्योंकि आप जब एक भगवान का रोल प्ले करते हैं तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं और आप ऑडियंस के इमोशंस के साथ खेल नहीं सकते. काफ़ी चीज़ें जुड़ी हैं एक भगवान का किरदार निभाने के साथ, तो वो मैं निभा रही हूँ एंड मुझे मैं अपना 100% दे रही हूँ एंड आई एम श्योर लोग भी मुझे उतना ही प्यार करेंगे. आप बॉलीवुड में भी काम करते हो, आप टीवी में करते हो, दोनों में कितना डिफरेंस है? सी काफ़ी काफ़ी बड़ा डिफरेंस है क्योंकि जब मैं बॉलीवुड में या साउथ में एक मूवी करती हूँ तो मैं 40 to 45 डेज देती हूँ और उसमें एक मूवी ख़त्म हो जाती है, जिसमें हम आराम से 6-8 महीने में शूट करते हैं. बट यहाँ पे काफ़ी कमिटमेंट, हार्ड वर्क बहुत है जो आप रोज़ शो शूट करते हैं. 2 घंटा हमें रेडी होने में लगता है, फिर हम नायगांव में हमारा सेट लगा है, हम वहाँ ट्रैवल करते हैं, 12 घंटे शूट करते हैं, उसके बाद आते हैं. तो आई थिंक हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा है, प्लस लैंग्वेज ऐसी है कि आप इसमें इम्प्रोवाइज़ नहीं कर सकते. लैंग्वेज के साथ थोड़ा भी इम्प्रोवाइजेशन इधर उधर एक वर्ड का भी हो जाता है तो रीटेक होता है. तो इसीलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत हार्ड वर्क है. बट जब आप देखते हैं कि क्या सामने आ रहा है, इतनी खुशी होती है कि लगता है कि वो वर्थ है इतना हार्ड वर्क. अब आपने लैंग्वेज का नाम लिया जी, तो लैंग्वेज मतलब इतनी शुद्ध हिंदी जी, बोलना किस तरीके का एक चैलेंज? चैलेंज लकीली मैं MP से हूँ, इंदौर और भोपाल से बिलोंग करती हूँ, तो लैंग्वेज मेरी शुरू से अच्छी है. बट एक्सपीरियंस नहीं था जो इस शो के थ्रू मिल गया. और जैसे कि उज़ैर मैंने आपको बताया मेरी बहुत हेल्प करते हैं, कहीं मैं थोड़ा भी अटक जाऊँ तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं सेट पे. उज़ैर से जानना चाहेंगे कि उनका कैसे एक्सपीरियंस रहा गणपति पापा बन के? मुझे तो बहुत मज़ा आया अब मेरी माता के साथ में शूट करते हुए. और मेरे अब तक तो हम लोग ने ही शूट किया है और ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा आती है. हम लोगों को सेट पर बहुत मस्ती करते हैं और गणपति जी के जैसे मैं गणपति हूँ इस शो में और मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ. और जैसे गणपति शैतान हैं, मस्ती हैं, खाना खाने के शौकीन हैं, हमारे उज़ैर बिल्कुल वैसे ही हैं. तो सेट पे इनके लिए बिस्किट के पैकेट्स और स्पेशल रिक्वेस्ट इनकी होती रहती है और वो पूरी होती हैं. तो बहुत मस्ती होती है सेट पे और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे उज़ैर मिले गणपति के रूप में. और मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड, बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है हमारी सेट पे और बहुत मज़ा आ रहा है शूट करने में. मैम आपकी ड्रेस की बात करें, जी जी थैंक यू जी 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 जी. एक्चुअली मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त रोहित वर्मा जो डिज़ाइन है, आज उनकी उनका आउटफिट पहना है मैंने उनके महाकुंभ कलेक्शन ने जो शिवा और गणपति को रिप्रेजेंट करता है. तो इस शो के द्वारा हमने महाकुंभ कलेक्शन को आज लॉन्च कर रही हूँ मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में. एंड स्पेशली गणपति थे तो मैंने सोचा गणपति का आशीर्वाद लेके ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलूँ. तो आई थिंक इसीलिए मैं एक बार आपको मेरे गणपति दिखाना चाहूँगी. थैंक यू गाइस. मेरा कैरेक्टर कार्तिकेय का कैरेक्टर है जो कि गणेश का बड़ा भाई है और शिव की शक्ति से पैदा हुआ है. ताड़कासुर का वध करने के लिए उसका जन्म हुआ है और शिव देवताओं को वरदान देते हैं, वचन देते हैं कि वो उनका जो पुत्र है वो उनकी हमेशा रक्षा करेगा, उनके सपोर्ट में रहेगा. तो उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए, उस वचन को पूरा करने के लिए कार्तिकेय अपने फैमिली का त्याग करते हैं और साउथ में जाके वो वचन निभाने के लिए वहाँ रहते हैं. तो ये कैरेक्टर जो है काफ़ी इंटेंस कैरेक्टर, काफ़ी पावरफुल कैरेक्टर है और मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा क्लोज़ टू माई हार्ट है बिकॉज़ मेरी पर्सनल लाइफ भी कई हद तक ऐसी ही कुछ है. लाइफ के स्ट्रगल्स ने मुझे भी फैमिली से काफ़ी दूर रखा हुआ है. तो आई बिलीव कि ये कैरेक्टर मेरे लिए निभाना जितना अच्छा है, मेरे लिए उसको फील कर पाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है ये. सो जैसे आपने कहा काफ़ी फेवरेट कैरेक्टर है आपका, तो कितना मतलब समय लगा इस चीज़ में या बहुत एकदम जल्दी हो गया इस कैरेक्टर में? नहीं, इनिशियली तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी था इस कैरेक्टर के लिए क्योंकि ऑब्वियसली एक इंसान से आप सीधे भगवान नहीं बन सकते, आपको कुछ तो प्रिपरेशन उसके लिए करनी होगी. तो इनिशियली बहुत डर लग रहा था कि कैसे होगा, क्या होगा और कैसे मैं इसको अलग बनाऊँगा,
क्योंकि मैं स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहता था, और ऑब्वियसली ये शो वैसा है भी नहीं. हम इस शो को बहुत टिपिकल मायथो नहीं बना रहे. इसमें हम VFX और इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा रियलिज्म और बहुत ज़्यादा सीख देने की कोशिश है. तो मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग ये रहा कि इनिशियली ये रहा कि मुझे इस कैरेक्टर को डिफरेंट बनाना था. तो उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा रीडिंग की. साइमल्टेनियसली जैसा कि हमारे सर ने बोला कि शो में सभी को बहुत फिट दिखने की ज़रूरत है, तो आई लॉस्ट 10 kg फॉर दैट. और प्रिपरेशन में जब हम मॉक शूट भी कर रहे थे, जब हम रिहर्सल्स भी कर रहे थे, तो काफ़ी हमने टाइम दिया हर एक के कैरेक्टर को. तो ये सारी प्रिपरेशंस की. जैसे शो की बात करी जाए, VFX की काफ़ी बात चल रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे, कुछ ना कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज और जो है. ऑब्वियसली ये तो सभी कह ही चुके हैं, मैं भी एक और बार कह देता हूँ कि मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी इससे पहले इंडिया में कभी यूज़ नहीं हुई है, किसी मूवी के लिए भी नहीं और किसी सीरियल के लिए भी नहीं. तो ये बहुत बड़ा स्टेप है एक इंडियन टेलीविज़न इंडस्ट्री के लिए. तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है कि मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी को हम अडेप्ट कर रहे हैं. इसके बाद और भी शोज़ करेंगे. और साइमल्टेनियसली जितना अच्छा मोशन कैप्चर की वजह से हो रहा है, उतना ही एफर्ट्स हम VFX में भी डाल रहे हैं. तो VFX की वजह से VFX अभी तक जो हमने टीवी में देखा है, उससे ये एक स्टेप आपको हमेशा आगे मिलेगा. व्यूवर्स, आप लोग हमेशा हमारे सपोर्ट में रहते हैं हमारे शो की. जैसे इससे पहले भी कॉन्टेलो के जितने शोज थे, आपने काफ़ी अच्छा प्यार दिया. तो इस शो को भी आप अच्छा प्यार दीजिए. देखिए प्राइम स्लॉट में 8 बजे सोमवार से शुक्रवार, विघ्नहर्ता गणेश. थैंक यू सो मच.